एसीपी ललित मोहन नेगी और एसीपी हृदय भूषण की सुपरविजन व इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में स्पेशल सेल टीम ने यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के स्वयंभू कमांडर इन चीफ मांगखोलम किपगेन उर्फ डेविड किपगेन को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ मणिपुर के विभिन्न थानों में पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने, लूटपाट, फिरौती के लिए अपहरण, फायरिंग, रंगदारी, डकैती आदि के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कई मामलों में यह वांटेड था। मणिपुर में पुलिस का दबाव बढ़ने पर वो छिपने के लिए भागकर दिल्ली आ गया था। यहीं से यह मणिपुर में अपने संगठन को चला रहा था। दिल्ली के सेक्टर 7 द्वारका से उसे रविवार को दबोच लिया गया। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक मांगखोलम मणिपुर के जिला कंगपोकपी का रहने वाला है। इसके पास मणिपुर में हथियारबंद उग्रवादियों का बड़ा नेटवर्क है। वह इन दिनों मणिपुर में सड़कों व अन्य प्रतिष्ठानों के निर्माण में शामिल एक कंपनी के कर्मचारियों को फिरौती के लिए अपहरण की योजना बना रहा था। 19 सितंबर की सुबह सेल को सूचना मिली कि मणिपुर के एक उग्रवादी संगठन का मुखिया मांगखोलम सेक्टर 7 द्वारका में किसी से मिलने आने वाला है। एसीपी ललित मोहन नेगी, हृदय भूषण, इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी के नेतृत्व में एएसआई सचिन राजकुमार, उमेश, एएसआई ओमवीर सिंह, नरेंद्र सिंह, सत्येंद्र राणा, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, कांस्टेबल कपिल देव, मुकेश, दीपक, विकास यादव और मोनवीर की टीम ने मुखबिर के इशारा करने पर उसे दबोच लिया। पूछताछ से पता चला कि वो 7वीं पास है। 2018 में वो अपने गांव के एक KNF कैडर में आया और फिर बदमाशों के साथ मिलकर रंगदारी, लूटपाट व डकैती आदि आपराधिक वारदात करने लगा। मणिपुर का कुख्यात अपराधी बन जाने के बाद उसने जून 2020 में उग्रवादियों का कुकी नेशनल फ्रंट नामक अपना नया संगठन बना लिया और पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने, फिरौती के लिए अपहरण, उगाही आदि संगीन आपराधिक वारदात करने लगा। 12 दिसंबर 2020 की रात उसने साथियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों से कांगवई पुलिस चौकी, जिला चुराचांदपुर, मणिपुर के 2 संतरियों पर हमला कर अपहरण कर लिया था और उनकी एक सर्विस राइफल इंसास लूट लिया था। उक्त मामले में मणिपुर पुलिस ने इसके 8 साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से 6 अवैध हथियार व लूटी गई सरकारी इंसास राइफल बरामद कर लिया गया था। मांगखोलम गिरफ्तारी से बचता रहा था। इसी साल बीते 18 फरवरी को इसने साथियों के साथ मिलकर फिरौती के लिए काला पहाड़, चुराचांदपुर, मणिपुर से एक नेपाली नागरिक टिकराम रिजाल का अपहरण कर लिया था। इस मामले में हैप्पी गांव के हाउपिलुन किपगेन और पश्चिम सेलसी गांव के लालखो हाउ को गिरफ्तार किया गया। 20 वर्षीय हाउपिलुन किपगेन मांगखोलम किपगेन का छोटा भाई है। 13 सितंबर को कुकी के काला दिवस संहिता नीक के दिन KNF ने राज्य में वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और सभी प्रशासनिक कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की घोषणा की थी। इस समूह ने कांगपोकपी जिले के चंपा इलाके में नेशनल हाई 2 के किनारे एक ट्रक की आवाजाही देखी और बंद के आह्वान का उल्लंघन करने पर गोलियां चला दी। मांगखोलम किपगेन ने प्रेस नोट जारी कर घटना की जिम्मेदारी ली थी। हाल ही में वो मणिपुर में बड़ी परियोजनाओं और अन्य प्रतिष्ठानों में शामिल एक निर्माण कंपनी के कर्मचारियों को जबरन वसूली के लिए अपहरण करने की योजना बना रहा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना मणिपुर पुलिस को दे दी गई है। आगे की पूछताछ जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।